खबर को सुनाओ तो डेट आपके वीडियो सबसे पहले देखते हैं। आज मैं आपके बीच में बता दूँ सुपर डिलीशियस हनी और यू कैन से ग्रीन इन वेरी डिफरेंट स्टाइल से स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि असेंशियल हैं हलीम के लिए। तो यहाँ पे मैं 1/2 kg दलिये का यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह जौ या गंदम भी यूज़ कर सकते हैं, ये 1/2 kg है। इसके अलावा यहाँ पे माश की दाल है, 1 पाव माश की दाल है, 1 पाव मूंग की दाल है, 1 पाव मसूर की दाल है, 1 पाव चने की दाल है और 1 पाव ही यहाँ पे मेरे पास चावल है। 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 1-1 पाव है और यहाँ पे दलिया 1/2 kg है, 1/2 किलो है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम किसी एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि इसे हमने अच्छे से धोना है और 4 घंटे के लिए इसे सोक करना है पानी में, तो हमारे लिए इजी हो जाए। तो हम एक बड़े बर्तन में से निकाल लेते हैं, अच्छे से इसे वॉश करते हैं, उसके बाद हम इसे 4 घंटे के लिए पानी में सोक करके रखेंगे। हो चुकी है, 4 आवर्स के बाद हम अपनी जो देगची है दालों की वो रखते हैं स्टव पे। अच्छे से सोक हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं, ये देखें ज़बरदस्ती रेडी हैं। स्टव मेरा ऑन है, इसमें हमने 2 टेबलस्पून साल्ट ऐड करेंगे इस टाइम पे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे अच्छे से कलर के लिए, मिक्स कर लेते हैं इसे। थोड़ा सा और पानी हमने 3-4 ग्लास पानी और ऐड करके हमने इसे कवर करके 1-1.5 घंटे के लिए उबाल लेना है। तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 1-1.5 घंटे इसको अच्छा सा उबाल देंगे। दाल की देगची को दूसरे स्टव पे शिफ्ट कर दिया, दूसरे बर्नर पे। इस बर्नर पे हम यहाँ पे अपना मीट रेडी कर लेते हैं। तो मैंने एक बड़ी देगची, बड़ी कढ़ाई रखी है स्टव पे, स्टव हाई फ्लेम पे है। यहाँ पे हमने 1/2 बॉल ऑयल ऐड करना है और ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म करने के बाद यहाँ पे 1 kg अनियन है जिसे मैंने स्लाइस में कर लिया है, इसको इसमें ऐड करेंगे। उसको लाइट गोल्डन कलर होने तक हम हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे जी। अनियन जो है वो लाइट गोल्डन कलर में आ गया, इनका कच्चापन ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे हमने 5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये क्रश जिंजर गार्लिक है, फ्रेशली मेड है, इसे हमने इधर ऐड करना है। 30 सेकेंड्स हम इसको फ्राई कर लेते हैं। 30 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे मेरे पास बीफ है 1 kg जिसे मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में लिया हुआ है, ये यहाँ पे ऐड करेंगे। इनको मिक्स कर लेते हैं। जी इसे मिक्स करने के बाद हमने कुछ स्पाइसेस में ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं 5 टेबलस्पून साल्ट ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून यहाँ पे जायफल और जावित्री का पाउडर जाएगा, 5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून यहाँ पे होल स्पाइसेस पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर और 5 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर जाएगा। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। सब स्पाइसेस इस टाइम पे हमने ऐड कर लेने हैं। इसके साथ ही 1/2 kg यहाँ पे टमाटर ऐड कर रही हूँ और 11-12 अदर यहाँ पे ग्रीन चिलीज जाएंगी। इन चीज़ों को कर लेंगे हम मिक्स। स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद अब इस टाइम पे हम इसमें 5 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करेंगे। 5-6 ग्लासेस ऑफ वाटर ऐड करके जस्ट हमने इसे कवर करके 1.5-2 घंटे का टाइम देना है कि अंटिल कि हमारा जो मीट है वो परफेक्टली टेंडर हो जाए, रेशा हम इजीली अलग कर दें। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने 1.5-2 घंटे इसको परफेक्टली डन करना है। वन एंड हाफ आवर हो चुके हैं और ये हमारी
जो मीट है उसकी ये शक्ल है। ऑलमोस्ट जो हमने मीट इसमें ऐड किया था उसकी चीखें निकल चुकी हैं। देखिए क्या ज़बरदस्त सा टेंडर हुआ है, बोटियाँ टूट रही हैं और रेशा रेशा बन रही हैं। तो अब हमने मैं यहाँ पे मदानी का यूज़ कर रही हूँ इसे मैश करने के लिए। हल्के हल्के इसको मैश करते जाएंगे और हाई फ्लेम में इसको हम भून लेंगे अंटिल के ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। एग्जैक्ट 1 आवर के बाद हमारे दालों की जो है वो कुछ इस तरह की कंडीशन है। ये देखें ज़बरदस्त से डन हो गए हैं, ये देखें ये इनकी कंडीशन है। तो अब हमने इसको करना है मैश। आपके पास हैंड ब्लेंडर है, आप हैंड ब्लेंडर के साथ कर सकते हैं, किसी मदानी के साथ कर सकते हैं। मैं सुपर सिंपल इजी वे यूज़ करने वाली हूँ। मैं जस्ट इसे थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर के मिक्सी के जग में इसे डालूँगी और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। सुपर सिंपल इजी वे में हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और दोबारा से देखिए में शिफ्ट कर लिया है। ये देखें ये ज़बरदस्त सा ये इसका टेक्सचर है। अब हमने जो मीट प्रिपेयर करके रखा था वो हम इसमें मिक्स करते हैं और स्टफ करते हैं दोबारा से ऑन। मीट वाली देखिए में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छे से सारे मसाले को में डाल देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। जब हमने जस्ट इसे 5 to 7 minutes ऐसे मिक्स करते जाना है और इसे हाई फ्लेम में अच्छे से 10 minutes हम कुक कर लेंगे। हमारी जो हलीम है और दलीम है वो कैसी रेशेदार सी परफेक्टली डन है, देख सकते हैं ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है। 10 minutes हम इसे मोर कुक करेंगे और उसके बाद प्रिपेयर करेंगे इसका तड़का। कढ़ाई में मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। यहाँ पे मैं तड़का रेडी कर रही हूँ, अनियन और जिंजर का तड़का लगाऊंगी मैं ज़बरदस्त सा। तो ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें अनियन और जिंजर ऐड करेंगे और लगाएंगे अपने हलीम को ज़बरदस्त सा तड़का। फ्रेंड हमारी ज़बरदस्त सी हलीम और यू कैन से दलीम परफेक्टली डन है। इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी, ट्राई इट। इफ यू विल लाइक दिस रेसिपी गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेक योर कुकिंग इजी एंड फन विद मी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।